मैं आज जो मेरे बोल के मेहमान हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको यहाँ पे बुला लूँ, क्योंकि वो भी तकरीबन क्या बल्कि पूरे ही माशाल्लाह, आपके शोबे से उनका ताल्लुक़ है बिल्कुल और हमारे शोबे से भी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम, 90 की दिहाई से लेके आज तक माशाल्लाह से शोहरत की बुलंदियों पर। और फिल्म की अगर मैं बात करता हूँ तो नहीं भी कुछ 150 से ज़्यादा फिल्म्स में काम किया, एक खूबसूरत अंदाज से एंट्री मारी। आज मुझे भी उनको जानते हुए नहीं भी तकरीबन 28-29 साल तो हो गए होंगे। एक बहुत पुरानी दोस्ती, एक बहुत पुराना साथ, एक बहुत ही प्यारा इंसान, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ख्याल करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों का, जिस तरह से ये ख्याल करते हैं। ये शायद बात आप लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन हम तो देखते रहते हैं, हम तो जानते रहते हैं। कभी कभी गुस्से में भी बड़े आ जाते हैं, लेकिन जब गलत बात होती है, पर जब भी काम किया बहुत अच्छा काम किया। इत्तेफाक से हम दोनों ने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना भी किया बहुत मज़ा आया। और पाकिस्तान की जो सर फहरिस्त की चंद फिल्में हैं, उनमें बेतहाशा फिल्में इनके नाम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आपके बहुत प्यारे फिल्म स्टार साउथ साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। मैंने कहा नात खानी का मुकाबला है, मैं इसके बाद आपको बुलाऊं तो ये आपके साथ भी ज्यादती होगी। माशाल्लाह जिस खानदान से ताल्लुक, वहाँ तो मतलब थैंक यू फैसल, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जी जी, और मैं सोच रहा था कि आप ये प्रोग्राम आई थिंक फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रमजान, बहुत उम्दा कर रहे हो और बहुत नपी तुली बात करते हो जो मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू, और बहुत अच्छा जा रहा है तुम्हारा प्रोग्राम। दूसरा तारुफ मैं अपना थोड़ा सा करा दूं कि मेरे वालिद मौलाना ज़ाहिर कासमी, बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 1947 को तलावत हुई है तो फिर अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान वजूद में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली जो आवाज़ थी कुरान की मेरे वालिद की थी, उसके बाद पाकिस्तान, ये हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की उसमें लिखा गया है। फिर मेरी सिस्टर ज़ोरा नूरानी, आप जानती होंगी, तो पहली कारिया थी, कॉम्पिटिशंस में होती थी मैं। जी जी, पहली कारिया थी पाकिस्तान की, माशाल्लाह। आपके चचा, फिर चचा शाकिर कासमी इकरा पढ़ाते थे, बिल्कुल, और पढ़ाते थे, अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हयात हैं। वही जफर कासमी, अभी भी मेरी कभी कभी उनसे मुलाकात कहीं हो जाती है, बल्कि इत्तेफाक ये हुआ कि बोल पे लास्ट ईयर मेरी उनसे दो दफ़ा मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा, हाँ, सो बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरा वाला तारुफ था, मैंने कहा खुद करा दूँ। ये सबको पता है माशाल्लाह से, सऊद खुद भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। सऊद भाई से माशाल्लाह ताल्लुक मेरे वालिद का, तो हम बचपन से हमने तो इनको देखा, बड़ा प्यार फैमिली टर्म माशाल्लाह, और इनकी भी मोहब्बतें और नात खानी से प्यार, और नात खानी की क्योंकि खुद भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, तो पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इनके है। रमजान में बोल हमारे जजेस स्टार नाथ खां के हसन बिन खुर्शीद और मोहतरमा ताबिंद लारी साहब यहाँ पे मौजूद, उनके साथ हमारे मेहमान के खास, हमारे बोल के खास मेहमान सऊद कासमी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। सऊद भाई अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो ऑब्वियसली नात खानी का मुकाबला भी वो थोड़ा सा जज करेंगे आज। और आज तीन जज हैं बेसिकली। आपने पहली नात सुनी सऊद जी? हाँ बिल्कुल सुनी, बिल्कुल, आप सुन रहे थे, कैसी लगी आपको बच्चे की आवाज़? बहुत अच्छी पड़ी इन्होंने, और जाहिर सी बात है जिस एज में है उस पुख्तगी आने में टाइम लगेगा जी, मगर बहुत अच्छी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सऊद भाई आपसे भी कि आप क्या कहते हैं दोनों के बारे में। बहुत बहुत खूबसूरत अदायगी, बस यही वाली बात को मैं कहूँगा कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी अंदाज से करें। वाह वाह, क्या कहते हैं उसको, बड़ी सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं, हाँ। बड़ा आराम से कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हाँ। मतलब आप किसी से लाउड नहीं कह सकते, इवन अपने बड़े से भी नहीं कह सकते, तो ये थोड़ी सी इसमें ये मेरी नज़र में है। बाकी अदाई जो इनके बोल और उनका जो अंदाज और जो माशाल्लाह से था, और एक अशार ने तो रुला दिया मुझे इनके, मुझे भी यही फील आया बिल्कुल जी, माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत इन्होंने चुना कलाम जी। सऊद भाई यहाँ मौजूद है, मैं ऐसे थोड़ी इस सेगमेंट को जाने दूंगा, मैं बिल्कुल, आज हसन भाई भी हैं, ताविंदा आपा भी हैं, लेकिन सऊद भाई भी मौजूद है, ये मौका बार बार नहीं आता है भाई,
सो हम चाहते हैं कि हम सऊद भाई से कुछ बिल्कुल जो वो पसंद करें, हम्द पसंद करें, नाते रसूल मकबूल पसंद करें, मनकबत पसंद करें, जो दिल करे सऊद भाई। मैं एक नाते रसूल मकबूल पेश करूँगा सुभान अल्लाह, लेकिन आप लोगों की इजाज़त से, माशाल्लाह क्या आप लोग जो माशाल्लाह से पढ़ते हैं वो उस अल्लाह जगह पे तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे मेरे सामने दरबार सच मुझ। उठते तो कैसे न ये हाथ खाली, न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाबर भाई, माशाल्लाह क्या आप बड़े दिल से पढ़ी है। मौका नहीं मिल रहा था, आज आपने मौका दिया तो हमने पढ़ दिया। इतने दिल से पढ़ी है सऊद, मैं यहाँ मतलब एक होता है ना कि शुक्रिया, आपको आपको महसूस होता है बिल्कुल ऐसा। और माशाल्लाह क्योंकि खानदानी स्टाइल है इनके पढ़ने का, जो मैं कहती हूँ ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता। एक्चुअली इतने माशाल्लाह से खूबसूरत नाखा बैठे हैं आप लोग, तो कोशिश थी कि नंबर पूरे लूं। अरे नहीं माशाल्लाह सुभानअल्लाह, हाँ पूरे नंबर पूरे नंबर, बल्कि एक तो ऊपर चले गए। अपनी लेगेसी को आपने प्रॉपर, शुक्रिया शुक्रिया वो किया। अरे नहीं, मैं तो सऊद को अक्सर कहता रहता हूँ ये करते रहा करें, और अच्छी बात है यार। आप बल्कि क्यों नहीं करते एक कंपाइल करके थोड़ा सा। हमने पिछले साल एक नात पढ़ी थी जो बाजी ने मेरी पीटीवी से पढ़ी थी, इन्नतिया रिहसबा योमन इला अर्दिल हरम, तो उसको हमने फिर उर्दू ट्रांसलेट करके, तो जन्नत ने इंग्लिश में पढ़ी, अच्छा, और मैंने उर्दू मैंने अरबी में, और जवेरिया ने उर्दू में, तो तीन जबानों में हमने। तो माशाल्लाह से उसके अगर आप नेट पर जाएँ तो 20 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। वाह, तो हमारा तो माशा से बहुत अच्छी नात है और वो फैमिली नात है। इस दफ़ा तो हमारा प्रोग्राम एक और था नात करने का, मगर थोड़े लेट हो गए चीज़ों में, तो लेकिन वैसे तो पढ़ते ही रहते हैं। जन्नत माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पढ़ती है इंग्लिश में, माशाल्लाह भाई दोनों तरफ से मिला। हाँ वो इंग्लिश में पढ़ती है, मैं अरबी का भी माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ती है बिल्कुल। असल में नात पढ़ना किसी नात खां का इस्तेहकाक नहीं है, वो कोई भी नबी का जिक्र कर सकता है बिल्कुल, और बस इस तरह ही शादत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से
मैं तो बच्चों को भी ये कह रहा होता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है तो बिल्कुल आगे बढ़ें। आप अपने आप को डिस्कवर करना है बेसिकली, यही इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश करता है और इसी में आप लगे रहते हैं। सऊद, चूँकि अब मैंने कहा वक्त कम है तो आपसे ज़रा बातें हो जाएं, बेशक हमारे जजेज़ यहाँ पे मौजूद हैं, एवर थिंक अबाउट के यार ये करियर, क्योंकि सऊद की ज़िंदगी में ना आपा इत्तफाकात बढ़ें। हाँ, ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये ऐसे ऐसे लोगों से उस वक्त मिल लिए जब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये शोबिज में आएंगे। उसमें शान साहब वाला बड़ा मज़े का एक किस्सा है इनका। मेरा शान के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। मैं लाहौर से जब कराची आ रहा था तो मेरे साथ शान बैठा हुआ था, हम दोनों, मैंने पूछा क्या करते हो, उसने कहा मैं मूवीज़ कर रहा हूँ। तो आई मैं नया नया अमेरिका से उसको पहुँचा था, तो हम दोनों शान साहब की भी उस वक्त मेरे ख्याल से एक या दो फिल्में आई, शान की भी दो तीन फिल्में थी। बिल्कुल, हम बातें करते हुए जा रहे थे, जहाज से उतरे तो उसको गाड़ी लेने नहीं आई, तो यहाँ पे एक प्लाजा होटल होता था वहाँ पे उसको ड्रॉप करना था। कहने लगा मुझे ड्रॉप कर दो, कहने मैं गाड़ी भी ख़रीदनी है इधर से, यहाँ से एक नई गाड़ी लेनी है। मैंने कहा ठीक है। तो खैर वो बातचीत हुई, मैंने उसको ड्रॉप किया तो जावेद फाजिल साहब मुझे याद है खड़े थे, और आई डोंट नो कौन थे प्रोड्यूसर। तो शान ने उतर के बोला कि यार गाड़ी नहीं लेनी आई मुझे, ये वो थोड़ी सी हुई। तो मैंने कहा शहर आई एम गेटिंग लेट, चलो भाई होप टू सी यू सून, कोई नंबर हम एक्सचेंज नहीं किए। मैं थोड़ा आगे गया तो पीछे देखे एक बैग पड़ा हुआ, बैग जो था वो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल शान का ही बैग है। अच्छा मुझे इतना याद नहीं था कि कौन है ये, मैंने कहा उसका बैग है। मैंने गाड़ी घुमाई है वापस आया तो वो बाहर ही खड़े हुए थे सब। सही, मैंने कहा तुम्हारा बैग, तुम शान आता है मेरे पास, बैग खोलता है कहता है यार ये मैं तकरीबन 13-14 लाख रुपए ले गया था गाड़ी ख़रीदने के, तो दी। अच्छा उसके बाद फिर 3 साल बाद मेरी फिल्म आई गुना, गुना उसकी इत्तफाक से ओपनिंग शान ने की, मतलब उसकी रोनमाई, मैंने उसको बताया। तो अभी खैर मेरी शान की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी दोस्ती है और बड़ा प्यार करता है, बड़ा ख्याल करता है और बड़ी इज्जत करता है। जब मैं लाहौर जाता हूँ तो हम साथ ही होते हैं लाहौर, और वो कराची है तो मेरे साथ ही होते हैं, तो हमारी दोस्ती चाहे वो रैम्बोज है अरबाज हो सबसे ही है। फैसल से तो माशाल्लाह जब से साथ ही हम लोग मिले ना मिले लेकिन हैं साथ, कभी ना कभी आगे पीछे। लेकिन पिछले दिनों तो हम हर हफ्ते मिल रहे थे यार, बहुत ज़्यादा हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते क्या, हर तीसरे चौथे दिन हमारी मुलाकात। असल में हम क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ। और साउथ भाई क्या कमाल के ओपनिंग बैट्समैन है आप, मैं कहता हूँ 200 की स्पीड पे बॉल करा लें ये 6 मार देगा। आपका भी यही हाल है, आप में कौन सा छोड़ते हैं किसी को? नहीं, वो तो हम। लेकिन हमारी क्रिकेट, अभी हम इत्तफाक से दुबई के मैच खेलने गए तो उन्होंने कही ऐसी शोबिस की टीम है हल्की सी, यार सारे मजाक, बड़ी मजेदार बात, मजाक मजाक में उन्होंने बड़े लोग बुलाए हुए थे, बॉलर प्रोफेशनल बॉलर्स वहाँ के दुबई के क्रिकेटर्स। तो मैं फैसल हम सारे खेलना शुरू हो गए, हमने पहले बैटिंग की और बाद इनको बैटिंग करा के फारिग करेंगे, उसके बाद हमने गए। हमें बड़ा इजी ले रहे थे वो लोग, उसके बाद जो हम गए उसके बाद जो उनको मारा है उन्होंने कहा ये क्या हो गया हमारे साथ, फिर बॉलिंग में इन्होंने रोक दिया। तो मैच जो ना हमने उनको हरा के आ गए तो वो पूरी रात इस सदमे में थे कि यार हमने तो सोचे नहीं था आप लोग इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हम तो समझे आप लोग सिर्फ एक्टर हैं। बहुत परेशान रहे, काफी परेशान, बेचारे मुंह उतरे हुए थे। उन्होंने 14 लोगों को बैटिंग करवा ली, 14 लोगों को बैटिंग कराई है, फिर रिक्वेस्ट पे आ गए यार प्लीज यार ये भाई स्पॉन्सर है इसकी भी बैटिंग करा दो। तो ये भी हुआ है, आखिर में ये शुरू हो गया था। हाँ, नहीं मैं जब बॉल कर रहा था उस वक्त जो बैट्समैन खड़ा हुआ था वो मुझसे पूछ रहा है आप लोग किसी क्लब से खेलते हैं, आप लोग किसी क्लब से खेलते हैं, आप लोग क्या रेगुलर खेलते हैं, तो काम कब करते हैं? मैंने कहा यार तू बैटिंग करना अभी छोड़ है यार, क्या हो गया तुझे? लेकिन बहुत मजा आया था और बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खेलते हैं, अभी सीरीज भी खेले थे ऑलमोस्ट जीत गए थे, सेमीफाइनल पहुंच जाते, लेकिन हार्ड लक कुछ हमने आउटसाइडर्स जो डाले थे उन्होंने काफी सारे। दानियाल का मैसेज आया था मुझे, मैंने कहा करते हैं बात इस बारे में, बिल्कुल इस दफा शरायत कुछ थोड़ी और होंगी, डेफिनेटली बिल्कुल। लेकिन ये पता है लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप लोग, मैं कहता हूँ यार लेकिन चलें अभी एक मिनट मैं छोड़ देता हूँ वो बात। मैं चाहूँगा आप लोग सब दुआ करें, हमारी टीम का एक बड़ा अहम सतून है मैं उसे कहता हूँ, हमारा विकेट कीपर है, हमारा बड़ा अच्छा बैट्समैन है नुमान हबीब, थोड़ा सा उसको इंजरी हुई और उसने ख्याल नहीं किया अपना, जिसकी वजह से वो इंजरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ऑपरेटेड एंड आउट ऑफ टेंशन है आप। थैंक यू, लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा जैसे नौमान के साथ हुआ कि 3 साल बाद उसको ऑपरेट कराना पड़ा, मेरे साथ भी बैक पेन का जो इशू था तुम्हें पता होगा, कितनी तकलीफ से गुजर रहा था और मैं उसको टाले जा रहा था 3-4 साल से ना, और ये लोग परेशान थे कि यार तुम करा लो, इवन कि मैं ऐसा हो गया था, टेढ़ा हो गया था, मतलब चलने में टेढ़ा हो गया था, क्रिकेट खेलते हुए भी।
तो डॉक्टर अथर अनीस इज़ अ स्पाइनल सर्जन ज़ियाउद्दीन में, अल्लाह उनको उनकी फैमिली को खुश रखे, उन्होंने बहुत उसी वक्त किया और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। तो हमें ना थोड़ा इग्नोर नहीं करने चाहिए बीमारियों को, जरा सी प्रॉब्लम होती है। आज सुबह आपने इंस्टा पे देखा होगा, मैं भी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, साउथ सिटी में बैठा हुआ था मैं सुबह। सो अगर ज़रा सी भी कोई आपको लगता है कोई मसला है, कोई चीज़ है, पहुँचें डॉक्टर के पास। ये लेबॉरेटरी वालों से इनकी कट नहीं होता है, सिर्फ फजूल की बातें हैं, ये लोग फजूल बातें करते हैं। बट हसन भाई थैंक यू सो मच, काबिंदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सऊद भाई हमारे साथ रहेंगे, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और सऊद भाई से मैं भी सवाल करूंगा, और ये जो मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बहुत सारे बच्चे हैं सेट पे, वो भी कुछ सवाल करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए रमज़ान में बोल। सूरत नात रसूल मकबूल भी सुनाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊद भाई माशाल्लाह से ये तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है कि इतनी फिल्म्स आपने की हैं, इतनी सुपर हिट फिल्म्स की हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेतहाशा प्रोडक्शंस की हैं, और उन प्रोडक्शंस में आपने बहुत लोगों को डेब्यू करवाया और बे इंतहा लोग हैं जिनको आप इंडस्ट्री में लेकर आए। तो ये रिस्क लेने का शौक था या आपने कहा यार कर लेते हैं? ये शुरू से जवेरियो मेरी एक नेचर रही है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जो होते हैं उनको आगे लाएं, क्योंकि फैसल कुरैशी तो एक ही है, लेकिन आगे हम किसको देखेंगे, आगे कोई होना चाहिए। तो ये हमारी शुरू से अप्रोच थी। अच्छा तो वो तुम मुझे तुम्हें लोगों को मुकाबले पे लाए हो। अच्छा सच्ची आज मैं कन्फेस करता हूँ एक बात की। हाँ, हम जब ये ज़िंदगी कर रहे थे तो फहद मुस्तफ़ा और ये लोग जब उनको दूसरे प्रोजेक्ट्स मिले तो हमें एक नया चाहिए था, भोला और नए कैरेक्टर्स हाँ। चाहिए थे, तो हमें जियो ने कुछ नाम दिए, उसमें तुम्हारा भी नाम था भोले के लिए हाँ। और बहुत सारे थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम नए लोगों को इंट्रोड्यूस करें ताकि उनको आगे मौका मिले। तो फिर एक बच्चा जोहाब था, उसको हम छोटे से दोबारा लेकर आए, भोला बनाया, फिर वो जो बड़ा हुआ तो वो नौमान हबीब था, बिल्कुल, तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारे माशाल्लाह से हमारे ड्रामों में और सोप सीरियल्स में लोग आते हैं। माशाल्लाह काफ़ी साल चला है ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है पाकिस्तान का वाहिद सीरियल है जो 7 साल चला है। सीरियल 7 साल चला है नॉन स्टॉप, एवरी वीक एक एपिसोड आता था। हाँ, तो वो 7 साल चला है बिल्कुल, और 305 एपिसोड्स थे उसके। प्रोडक्शन अभी भी चल रही है? प्रोडक्शन अभी कम की हुई है, लेकिन अब दोबारा जा रहे हैं। देखिए बैकग्राउंड फिल्म से मैं वही अभी जब लोगों को अगर मैं बताने बैठूं कि क्या क्या खूबसूरत फिल्म है, तुम्हारी कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो मेरी बड़ी फेवरेट हैं, जिसमें अगर मैं मोस्ट फेवरेट की बात करता हूँ तो मुझे हवाएँ बहुत पसंद है। हवाएं बहुत अच्छी मुझे पर्सनली मैं मतलब मैं कुछ तुम सामने बैठे हो इसलिए नहीं बोल रहा, ना मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं भी मैंने कोई 7-8 दफ़ा देखी थी हवाएं। सो अभी भी अगर तुम मुझसे उसके बहुत सारे सीन हैं तुम पूछ लो, क्योंकि उसमें अगर शफकत चीमा ने एक साथ उनके साथ ये हुआ था कि वो गलती से टेंट घर बैठे थे तो सीन में उनकी टेंट करवाई थी शाहजी ने। तो मुझे तो एक एक बात फिल्म की याद है, तुम्हारे डायलॉग्स याद हैं। सो हालांकि मैं उसको काम शुरू कर चुका था लेकिन साथ ही थे, ऑलमोस्ट हम साथ ही थे। तो फिल्म की तरफ अभी तक क्यों नहीं छलांग लगाई एज अ प्रोड्यूसर? फिल्म कर रहे हैं आजकल, फैसल तुम्हें पता ट्रेंड क्या है कि अगर मैं ही प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ही फिल्म बनाऊंगा। कहाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हम मेरी जो कुछ स्टोरीज दो जवेरिया मैंने डेवलप किए हैं, 3 हैं हमारी फिल्म्स जिनमें से हम इंशाल्लाह एक शुरू करेंगे, जिसमें से एक मैंने तुमसे भी डिस्कस की थी। बिल्कुल, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अब हम शुरू करें, थोड़े ज़रा पैसे इधर उधर फंसे हैं तो इंशाल्लाह निकलेंगे तो काम शुरू करेंगे। और मैं कहता हूँ कि फिल्म्स बननी चाहिए, हर एक को बनाने का हक है, लेकिन वो फिल्म ज़रूर बनाएं। बिल्कुल ठीक है ना, और फिल्म के लोगों को मिला के फिल्म बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि फिल्म्स के लोग जो है ना उनको फिल्म का काम आता है, जैसे टीवी के लोगों को टीवी का काम आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टेज म्यूज़िक फिल्म और टीवी सब मिक्स कर रहे हैं। मतलब सिंगर जो है वो एक्टिंग कर रहा है,
एक्टर जो है वो सिंगिंग कर रहा है, तो सब चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि ना वो इधर का रह रहा है ना उधर का रह रहा है। तो हमारे साथ यही हो रहा है कि जो ड्रामों में काम कर रहे हैं वो फिल्म कर रहे हैं, तो जो ड्रामों में उनको आप 24 घंटे देख रहे हैं ना, तो लोग उनके लिए पैसे खर्च करके नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनको पता है कि ये तो अभी टीवी पे आ जाएगा आधे घंटे बाद। मेरी ये सोच है, हो सकता है गलत हो। नहीं, लेकिन उसी वजह से मुझे लगता है जैसे हमारे हुमायूं सईद हैं या फहद हैं, इन लोगों ने देखो फहद और हुमायूं कहाँ काम कर रहे हैं, वो सीरियल्स उन्होंने छोड़ दिए हमें, साल में कोई एक हाथ कर लिया है हुमायूं ने तो कर लिया, बिल्कुल अदरवाइज हुमायूं नहीं करते, इसीलिए लोग देखेंगे ना जाके फिर उन्हें, और देखते हैं बिल्कुल तुरंत एक साथ। हाँ, यही एक कामयाबी है, बिल्कुल। तो आप और हम जो कर रहे हैं जाहिर सी बात है काम है, लेकिन फिर जो फिल्म करते हैं तो फिर फिल्म का एक अपना है, क्योंकि फिल्म स्टार तो होता है, ठीक है ना, वो एक स्टार होता है, तो स्टार लगता है उस पर फिल्म, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। और हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, मतलब कोशिश कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन हमारी कोशिश ये करनी चाहिए हम सबको कि हम मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारे साथ अभी भी ये चल रहा है कि ये उसकी फिल्म है, ये उसकी फिल्म है, मेरे हिसाब से ये हम सबकी फिल्म्स हैं और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो ये भी बड़ा मसला है कि जो चैनल की फिल्म हो जाती है तो फिर वो दूसरे चैनल पर प्रमोट नहीं हो पाती, उस चक्कर में वो एक ही चैनल तक रह जाती है। अब हमारे यहाँ ये भी मसला है कि बहुत सारे लोगों की लॉयल्टीज़ जो हैं वो अलग अलग चैनल से हो गई हैं, तो उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि अच्छा फलाने चैनल की फिल्म है तो वो कौन सी फिल्म है, या फलाने चैनल की फिल्म है तो कौन सी फिल्म है। ये भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो यही है। लेकिन अच्छी फिल्म किसी चैनल की हो, किसी प्रोडक्शन की हो, किसी एक्टर की हो, अच्छी फिल्म ज़रूर चलेगी, बिल्कुल मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि अच्छी फिल्म, क्योंकि हम भी ये फिल्म कर रहे थे तो जब अच्छी फिल्म होती थी तो हम जब घुसते थे एवेन्यू में स्टूडियो में तो दूर से बात वो मुबारक मुबारक ये वो, और जब फिल्म थोड़ी हल्की होती थी यार वो आज असल में ना जरा सी बारिश हो गई ना तो लोग नहीं आए, ये इस टाइप के एक्सक्यूजेस, यार मंडे को पता लगेगा सही, ट्यूसडे को, तो हम समझ जाते थे कि फिल्म गई, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, आइए जरा बच्चों से मिलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और ये बड़ा शोर मचाने लग गए हैं ये बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, साउद अंकल को भी सलाम कर ले, साउद भाई को आए बैठे बैठे, साउद भाई हमने ये छोटी छोटी कुर्सियां रखी हुई हैं ताकि आप यहाँ पे बैठ जाएं। हाँ भाई, सबसे पहले कौन सवाल पूछेगा, कौन है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? मैं आपको सुनाऊंगी रोली पॉली। रोली पॉली, लो जी। अच्छा पूरी आती है रोली रोली पॉली, down 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 lolly polly lolly polly up 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 lolly polly lolly polly big 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 lolly polly lolly polly down 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 lolly polly slow 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 lolly polly fast fast fast। वाह क्या बात है, कोई क्वेश्चन करना है आपने साउद अंकल से? नहीं चलें आगे देते हैं फिर माइक, फिर बाकियों की बारी रह जाती है। बेटा एक और सवाल है, क्या सुनाओ जल्दी सुनाओ। इनके आगे बोल के सकाएं फुट पर आंधो के करें सारा, क्या नहीं सॉरी चलें जी आगे। मैंने आपसे ये सवाल करना है जी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में कौन सा था? हाँ फेवरेट सब्जेक्ट छुट्टी, ये तो हमारा भी था, सैटरडे संडे बेहतरीन सब्जेक्ट है छुट्टी वाला। हाँ और आपका नहीं ये तो मजाक था, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश था। और आपकी कभी जवेरिया मैम से लड़ाई हुई है? कभी कभी नहीं, देखो तोते ने भी गवाही दे दी, कभी नहीं हुई नहीं कभी नहीं हुई नहीं हुई, हर दो मिनट बाद होती है तो कभी कभी में थोड़ी आता है वो। हाँ अस्सलाम वालेकुम साउद अंकल, मैं आपसे ये सवाल है कि आपको जिंदगी से इतना प्यार क्यों है, आपके सारे ड्रामे जिंदगी के ही बारे में है। वाह 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 वाह, क्योंकि जिंदगी जो है ना वही तो है, आप क्या कर रहे हैं, जिंदगी तो गुजार रहे हैं अपनी, तो यही तो जिंदगी है, इसमें खुशी भी है, इसमें गम भी है, इसमें प्यार भी है, इसमें नफ़रत भी है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें हर चीज़ है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जो है ना वो पूरी भरपूर है हर चीज़ से, हर चीज़ में ज़िंदगी है जी।
जी पूछें बेटा। सर मेरा आपसे सवाल था कि वो आपकी अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज? बड़ा घरेलू सवाल है, बड़ा घरेलू बच्चा घरेलू सवाल पूछ रहा है, बच्चों को भी शादियों की फिक्र है। अरेंज मैरिज थी जी, ये बात बिल्कुल सच है। जवेरिया और सऊद की शादी एक अरेंज मैरिज है। अगर अरेंज नहीं होती तो शादी नहीं होती। मैं नहीं जाना चाह रहा डिटेल में। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ना करें, छोटी सी है। कितनी छोटी? अच्छा उस कहानी की वाइंड अप पहले सुना दो। दिल ना किसी का टूटे, बदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, हजरत नहीं एक बदू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश चंद ककड़ियाँ पेश की। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जब भी कोई तोहफे के तौर पर कोई चीज़ पेश करता तो कबूल फरमा लिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू का भी तोहफा कबूल फरमा लिया। टाइम ले ले पूरा भाई, तू ही ले ले पूरा टाइम। और एक ककड़ी खाई फिर दूसरी खाई हत्ता के सारी खा ली। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी आसपास बैठे लोगों को तकसीम फरमा लिया करते थे जब भी कोई तोहफा आता, लेकिन आज नहीं तकसीम करा। एक सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया, हमें इन ककड़ियों में हिस्सा क्यों नहीं दिया? हुजूर उस टाइम पे वक्त पे बदू जा चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मैंने एक ककड़ी खाई तो उसे कड़वा पाया, दूसरी खाई तो उसे भी कड़वा पाया, यहाँ तक कि सारी ककड़ी कड़वी थी। ये अगर किसी भी बंदे लोगों में से ये निकल जाता ये तो कड़वी है तो बदू का दिल टूट जाता। ठीक है, आगे दे दें, अनाबिया को दे दें फिर आता हूँ वापस। मेरा नाम है नाबिया, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। ये आपके सर में से निकला ही है, ये आपने ऊपर कुछ लगाया हुआ है? अच्छा लगाया हुआ है, मुझे लगा सर के अंदर से निकला है। हाँ सुनाओ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। सुबह सवेर जब मैं उठूं पार्क में खेलते फूल को देखूं, सुबह सवेर जब मैं उठूं पार्क में खेलते फूल को देखूं, अम्मे रब की पाकी बोलूं, अम्मे रब की पाकी बोलूं, अल्लाह 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 ला इलाहा अल्लाह। आपने सऊद अंकल से सवाल करना है कोई अनाबिया? यस। पूछें जी। आपने फिल्मों में काम किया है, आपने ड्रामों में काम किया है, आपको ज्यादा मजा किस में आया? अरे वाह क्या सवाल है, क्या लाई है बच्ची। मुझे फिल्म्स में काम करके मजा आया। किसी भी फिल्म एक्टर से पूछोगे ना आपने फिल्म्स में काम किया है ड्रामों में, वो यही कहेगा उसे फिल्म में काम करने का ज़्यादा मज़ा आया। और अगर उसने स्टेज प्ले किया हुआ होगा तो कहेगा स्टेज प्ले जी। थैंक यू जी, आगे बढ़ें। लेकिन कोई स्टेज करे ड्रामा करे सब करे, लेकिन एंड जो है ना वो उसका सिल्वर स्क्रीन ही होता। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको आप लोगों को अल्लाह के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। जी सुनाएं। अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह सब देखता है और सब सुनता है, और अल्लाह ने दुनिया बनाई है और पहाड़ दरख्त फल ये सब वगैरह वगैरह सब अल्लाह ने बनाए हैं, और हमें अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें बोल का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बोलने हमें हम प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ आके अच्छी अच्छी बातें बोलने का मौका दिया। बेटा आ जाए मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोला। आप पहले सऊद अंकल से कुछ सवाल करेंगे।
तो बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं। चेक कर दे, आपकी सबसे ज्यादा फिल्म हिट कौन सी हुई? वो हो एक मेरी दिल किसी का दोस्त नहीं, मैं भी हवाएं, मैं भी उसमें, हाँ तुम भी थे, दिल किसी का दोस्त नहीं, मैं हम साथ ही थे, हाँ हवाएं थी, दिल किसी का दोस्त नहीं थी, लव 95 थी, मिस इस्तांबुल थी, बहुत सारी फिल्में थी, गुना थी पहली फिल्म ही तुम्हारी। एक और सवाल करना चाहती हूँ जी, आपको 12 महीनों के नाम आते हैं? 12 पहले सुना है, फिर मैं, फिर अगर आपको नहीं आते होंगे तो मैं सुनाऊंगी। अच्छा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया। पहला महीना कौन सा होता है? फरवरी। फरवरी, जनवरी, जनवरी होता है। अच्छा, जनवरी फरवरी नहीं, हाँ 12 महीनों के नाम। 12 महीने क्या इस्लामिक जी? अच्छा, इस्लामिक 12 महीने, ये इस्लामिक 12 महीने। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। अगर आपको नहीं आता तो मैं सुनाऊं? सुनाए। 12 महीने हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, सोचे समझे देखें भले उनको ना भूलें, पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे, रबीउल अव्वल रबीउस सानी जमादुल अव्वल जमादुस सानी, बाकी चेकी ये तरतीब रजब शबान रमजान शवाल जिलकद जिलहज। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिलहज के बाद फिर मुहर्रम शुरू, हाँ जिलहज के बाद पहला मुहर्रम, हाँ जिलहज जिलकद जिलहज जी। आपका आखिरी सवाल जी, है क्या जी? सऊद अंकल से पूछना है। हाँ पूछो। बहुत सारी फिल्म्स में काम किया है, इसकी आवाज बताइए किन से मिलती है। आपने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया है, आप हीरो भी हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी एक्टर्स बने, स्टार बने? व्हाई नॉट, अगर बनना चाहते हैं तो जरूर बने, लेकिन मेरा एक बेटा जो है इब्राहिम, वो एनिमेशन कर रहा है, एनिमेटेड चीज़ें, और स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन है तो उसकी एनिमेशन करता है, और उसने एक अभी आजकल वो जो काम कर रहा है एक मुस्लिम हीरो पे काम कर रहा है, जैसे सुपरमैन है ना, तो ऐसे इस तरह वो एक बना रहा है मुस्लिम मैन। और क्या कमाल एनिमेशन करता है। मुझे सऊद ने एक दिन, हम मैच पे थे, मुझे सऊद ने उसकी कुछ ग्राफिक्स दिखाई, और मैं इससे मैंने 3 दफ़ा पूछा, मैंने कहा अच्छा कोई और भी है जो इसको हेल्प आउट कर रहा है, कोई और भी है जो इसको, कहता नहीं वो अकेला बैठ के खुद ही है सारा कुछ करता है, पूरी एनिमेशन करता है। एक अनबिलीवेबल बात है जो उसकी एनिमेशन, वाकई लेवल ही अलग है। खैर एनीवे, हमने चूंकि थोड़ी देर में किचन में जाना है, तो मैंने कहा कि किचन में जाने से पहले अच्छी तरह से डेटॉल से हाथ धो लिए जाएं। बच्चे भी इस वक्त जो हैं वो आप देख सकते हैं डेटॉल से हाथ धो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जितने जरासीम से दूर रहेंगे उतने सेहतमंद रहेंगे। अपना ख्याल रखा करें, जरासीम से दूर रहा करें, और वेरी गुड, सारे बच्चे धो रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आइए अब हम बढ़ते हैं बोल के जायके की तरफ, धोलिए जी। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं अभी नहीं थे, अब हैं, हाँ सो वेलकम। आज भी सलमा जी आपके साथ मेहमान है, अस्सलाम वालेकुम, आइए सऊद भाई। आज हमारे साथ हैं, ये हमारी इम्तिहान की घड़ी शुरू हो रही है, किचन की ओनर, अच्छा शेफ सबूही, माशाल्लाह, क्या बेहतरीन खाना बनाने वालों में से हैं ये। इन्होंने रेसिपी मेरे साथ शेयर की थी अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्गर, अच्छा उसकी, तो बस मैं आपके लिए तैयारी कर रही हूं। मतलब ना खाना लिया गल्ला ही है ना, नहीं नहीं आपके लिए ऐसे बनेंगे कि आप डाइट के अंदर वो खा सकते हैं, बस बनना लीजिएगा ना, बाकी सब खैर है, और ऐसी वैसी कोई गल्ला नहीं है, खाना लेना दिल होना चाहिए था, आप देखें हम खिलाते कैसे हैं। अच्छा ये मैं पहले अपनी रेसिपी आपको बता दूं, हमारी आज जो डिपिट की रेसिपी है वो बीफ विद ब्राउन बटर है, ब्राउन बटर सॉस बनेगी, बीफ को हम स्टेक की तरह ज़रा सा सौते कर लेंगे बटर के साथ, और उसके बाद हम इसे मैक्रोनी के साथ सर्व करेंगे। तो मैंने सोया सॉस डालकर नमक, काली मिर्चें हल्की सी, ज़रा सा उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया, इसको काफ़ी देर से मैरिनेट करके रखा हुआ है, अब ये मैरिनेशन
का टाइम हुआ खत्म, अब जरा इसके जलने भुनने का टाइम आ गया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बर्गर्स किस तरह से बनते हैं तो देखते रहिए रमजान में बोल, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक पे। सऊद माशाल्लाह, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात शेयर कर रहा हूँ। ये सऊद के वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो ता हयात मैं जब तक जिंदा हूँ, या वो तमाम मेरे दोस्त जो जिंदा हैं, ये याद रहेगा। सलमा जी, ये सुनने वाली बात है, मैं चीट डे था ठीक है मेरा, अच्छा। तो हमने प्लान किया, बल्कि मैंने क्या प्लान किया, हमारे एक और दोस्त हैं सरफराज, उन्होंने और सऊद ने कहा भाई आज फैसल का चीट डे है तो मैच के बाद निहारी खाने चलते हैं, स्पेशल निहारी, स्पेशल निहारी। तो सदर में हम स्पेशली सदर के अंदर गए, वो जो बड़ी मशहूर हमारी निहारी की दुकान है वहाँ पे, और मैं सऊद सरफराज काफ़ी सारे हो गए थे, हम कुछ 7-8 लोग हम निहारी खाने चले गए। अब वहाँ पे निहारी उसने कहा जी स्पेशल होनी चाहिए, तो उसमें मगज़ भी है, उसमें नली भी है, और साथ में बोंग की बूटी भी है, तो उसमें तो आटा और ताजे ताजे नान जो हैं वो भी हैं। ओए होए। और हमने अब कहा कि भाई क्यों चीट डे था, तो हमने मैंने कहा मैं तो सब खाऊंगा, तो सऊद ने कहा ठीक है फिर। अब जब वो खाने के लिए बैठे हैं और मैं और सऊद एक प्लेट में खा रहे थे, तो मैंने रोटी तोड़ी है तो सऊद भाई ने वहाँ पे पहले अदरक डाली, ऊपर हल्का सा मसाला डाला, धनिया डाला, और उस पर नींबू डालते हुए एक तारीखी जुमला कहा। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप खुद दोहराएं वो। जब मैं नींबू डाल रहा था उस पर तो फैसले में ये क्या कर रहा है, मैंने कहा देखो ये जो नींबू है ना ये चर्बी कटाता है चर्बी कम करता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था ना, काफी देर तक जो है मैं इस बात पे हंसता रहा वैसे आपको उन्होंने। अब जैसे मैंने लोगों को देखा है यहाँ पे माशाल्लाह इतना बड़ा बर्गर खाते हैं, साथ में कहते हैं डाइट कोक दे दें, ठीक है ना, तो मैंने भी कोई गलत बात नहीं की। बिल्कुल आपने गलत बात नहीं की, ये बात बिल्कुल है 100% खाने में ये देखेंगे, पागलों की तरह दो प्लेटें बिरयानी की खा के कहेंगे यार जरा ग्रीन टी देना ताकि हजम हो जाए, कितों पैन कितों कहाँ से हजम होगा। तो ये वाली कॉमेडी है कि इतनी सारी निहारी की प्लेट है जिसमें पाए में पाए हैं, सॉरी निहारी है, मगज है, नली है, और ये देसी घी ऊपर तैर रहा है, उस पर एक आदमी आधा नींबू निचोड़ के कह रहा है ये चर्बी काटता है सोचें जरा। ये तो बस आपको उन्होंने तसल्ली दी और मैं छींटों से बच रही हूँ साथ साथ, लेकिन आपको जल्दी से ब्राउन बटर सॉस जो है वो बनानी बता देती हूँ। इसके अंदर मैं तकरीबन आधे कप के करीब मैंने सोया सॉस ले ली, सोया सॉस ली डिपेट की, डिपेट की जनाब, बिल्कुल हर चीज़, ये रेसिपी ही सिर्फ डिपेट के लिए मैंने बनाई है। अब इसके अंदर ये है कि बटर के साथ हमारा लहसुन अदरक जो है वो मिक्स हो रहा है, सबूई ज़रा सा देखो प्लीज़, टॉप्स उतर गया जी, ऐसे इतने लवाजमात के साथ किचन नहीं हो सकता। अब सोया सॉस हमने ऐड की, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं वर्सेशायर सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ, ये भी डिपेट की है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर, मेरे पास है, मैं वो ऐड कर रही हूँ तकरीबन आप समझ लें 1 टेबलस्पून के करीब, ये आ गया इसमें। अब इसके अंदर हमने ऐड किया, मेरे पास साबत लाल मिर्चें हैं, बंदा ऐड ही करता रहे वो ऐड की, ये एक प्याली में मिक्स करना है फैसल। अच्छा। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, बटर के अंदर गार्लिक ऑलरेडी हो रहा है ठीक है, 1 टीस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है सिर्फ। ये हमारा जो बीफ है वो बिल्कुल रेडी है, इसको हम फोल्ड करेंगे इस सॉस के अंदर, हमारा जो लहसुन अदरक है वो बटर के अंदर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, और ये मैंने ये पूरी सॉस जो है इसमें ऐड कर दी, ये वहां कमरा बना दो मेरा। ये ऐड करने के बाद जरा सा ये थिक होती है, तो इसके अंदर मैं बीफ को फोल्ड करूंगी, और मैंने मैक्रोनी ऑलरेडी डिश आउट कर ली हुई है, आज मैं फैसल को बिल्कुल तंग नहीं कर रही कि वो किचन में आकर, तो ये नहीं, कल तो बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ बाखुदा, एक तो वो अपना क्या कहते हैं बिरयानी ठीक है, और ऊपर से मजे की उसकी खुशबू चढ़ी नाक में, ठीक है, जबरदस्त किस्म की खुशबू, ये होता है जो तुम लोग बोलते रहते हो ना, ये होता है फिर। ये हाँ। ये तो डिपेट की सॉस के साथ हमने ब्राउन बटर सॉस बनाई है। घर पे खाना बनाते हैं या जवेरिया बनाती है? जवेरिया है ना,
धड़ाधड़ खाना खाना और ये इसको थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे इफ्तारी पे शिमला मिर्च के साथ और प्याज के साथ, बहुत हल्का सा, कोई ज्यादा नहीं डालना। और इस पे डालेंगे एंड में सेसमी सीड्स। वाह, ठीक है। डिपिट के बारे में बताती जाऊं कि डिपिट 46 के करीब इनकी रेंज है डिफरेंट सॉसेस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी ब्रांड 22 मुल्कों में मिलता है, ग्लूटेन फ्री है, कीटो फ्रेंडली है। और ये हमारी मेरी आज की डिश रेडी है। अब हम चलते हैं सुबुई की तरफ। सुबुई बना क्या रही हैं? मैं आज बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्गर पैटी, और ये बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जो डाइट पे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फैट ऐड होता है, तो इतना फैट तो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इसकी रेसिपी आपको मैं शेयर कर दूँ? जी जी। अच्छा, इसकी रेसिपी के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन मिन्स, और चिकन मिन्स के अंदर चिकन का कीमा, चिकन का कीमा, और इतनी बड़ी प्याज, एक दरमियानी प्याज। अच्छा होगा कि अगर आप इसके साथ ही इसको मिंसिंग मशीन से निकाल लें तो साथ ये यकजा हो जाए। कीमे वाली मशीन तो साथ में दो से तीन हरी मिर्चें, जितना आपको फ्लेवर पसंद है, जितनी आप मिर्चें बर्दाश्त कर सकें उतनी मिर्चें इसमें ऐड कर लें। और सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और वाइट पेपर पाउडर जाएगा, यानी कि दक्कनी मिर्च जिसे सफ़ेद मिर्च भी बोला जाता है उसका पाउडर जाएगा पिसी हुई, वो जाएगी 1/4 टीस्पून। इसकी क्वांटिटी बढ़ाइएगा नहीं वरना ये गले पे चुभती है। और इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। तेज मिर्चें खाते हैं, हल्की मिर्चें खाते हैं? हल्की हल्की, ठीक है। और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसके अंदर, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और वर्स्टरशायर जाएगा 1 टेबल स्पून। अच्छा, आपने इसी में वो डाल दिए हैं? मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं इसमें। फ्रेश ब्रेड के मैंने क्रम्स बनाए हैं, और उन क्रम्स तो इसमें डाइट कहाँ से आ गई? नहीं, इसमें डाइट कहाँ से आ गई आपके लिए बगैर ब्रेड क्रम्स के निकाले? इसमें ब्राउन ब्रेड के क्रम्स भी बन के जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे, अच्छा ये ब्राउन ब्रेड और ये व्हाइट ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको प्लीज, ब्राउन ब्रेड खाने से कोई डाइट नहीं होती। अच्छा, ये चीज मैं, कैलोरीज ऑलमोस्ट बराबर है, 170 उधर है, 170 उधर है। एक सबसे बड़ी बात है, वो जब ब्रेड बनती है तो उसके अंदर यीस्ट डलता है, और मैं हमेशा अपने घर में ये बात कहती हूँ कि ये यीस्ट बाहर इतना फूलता है तो जरा अंदर जाके, अंदर कितना फूलता होगा, इसने अंदर जाके क्या तबाहियां मचानी है। तो ये जरूरी है, हम जो रॉ चीजें खाते हैं उसका फायदा ये होता है कि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाती हैं, जैसे ब्राउन शुगर है, ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड है, ये जो ब्राउन हम जिसे कहते हैं एक्चुअली इट्स अ ब्राउन ब्रेड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्राउन हो चाहे वाइट ब्रेड हो, हाँ, जो भी हो, जब तक मुंह में दांत है ना खा लो वो ज्यादा बेहतर है। जी शाह साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इससे बेहतर है कि इंसान तरसता रह जाए कि ये चीज मैं नहीं खा रहा। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दांत अब माशाल्लाह 90 साल की उम्र में भी होते हैं, लेकिन जो उसका मजा है ना वो, हाँ नहीं नहीं लग जाते हैं ना, अंदर लग जाते हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि आज आप टैंग कौन सा प्रेफर करेंगे? आपने तो पीना नहीं है लेकिन दूसरों के लिए, ये वो जो हमारे पास पाइनएप्पल है, हमारे पास लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है। मैंगो क्योंकि मैंगो आके ही नहीं दे रहे अभी तक। हाँ, अच्छा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, रमजान का महीना हम सबके लिए बहुत अहम है। इसी तरह टैंग कहता है कि जब इस महीने का हम एहतमाम करते हैं सहर और अफ्तार के लिए और दस्तरखान सजाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसास करने के लिए हमारे लिए ख़ास बना दिया है। तो अपने घर वालों को तो हम एहसास करते हैं, हम कितना एहसास करते हैं। आज मेरे बेटे का पहला रोज़ा है, या बेटे ने सुबह सहरी नहीं की थी, पानी खुल के नहीं पिया हुआ, बहुत डल लग रहा है, डाउन लग। भाई इसी तरह आपके घर के अंदर काम करने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आपकी मासियां भी आती हैं, गली मोहल्ले में से गुजरने वाले लोग भी हैं, सब्ज़ी फरोश भी हैं, और आपके हमसाए भी हैं। हालात जो चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आंखें खोलें और इर्द गिर्द का ध्यान रखें। उसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे की गीबत करने के लिए, बल्कि इस चीज़ के लिए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं उनके घर में मुकम्मल तौर पर ऐसा तो नहीं कि वो लोग इफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने घर में अफ्तार बनाइए और उनका भी एहसास कीजिए, और जहां आप अफ्तार भेजें वहां शरबत ज़रूर बनाकर भेजें, और वो होगा टैंग का। और फैसल के कहने पे आज आप बनाएं मैंगो। क्या कह रही हैं? मैंगो टैंग बिल्कुल मैंगो। और जी हाँ, ये बात हकीकत है कि सऊद भाई के घर पे बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं। इत्तेफाक ये हुआ, अभी रमज़ान से चंद दिन पहले तक मैं तकरीबन नॉन स्टॉप सऊद भाई के घर पर था 12 दिन, और बड़ी मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी, मैं फिर भी नहीं खाया मैंने। फैसल एक बात ऐड करना चाहूँगा, भी इन्होंने पड़ोसियों के बारे में बोला है ना, हाँ,
तो हमारी बड़ी खुशनसीबी कि हमारे पड़ोस में बिनते फातिमा है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें पता है, और उधर तकरीबन 60 के करीब माएँ हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम अक्सर, अभी पिछले दिनों भी रमज़ान में मैं जवेरिया, पिछले साल भी हम उधर ही चले जाते हैं रोज़ा इफ्तार ने, वहाँ पे पकौड़े फुल्कियाँ बना रहे हैं, लोग भी जाते हैं, डोनेट भी करते हैं। तो हमारा पड़ोस बहुत अच्छा मिला हमें, तो मैं वो बुज़ुर्ग ख़वातीन माएँ वो सब साथ होती हैं, हम जाते हैं बराबर में, और बहुत मेहनत कर रहे हैं जो असद हैं और जो मिनते फातिमा वाले हैं। तो मैं उनका ज़रूर जिक्र इसलिए करूँगा कि वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते अपनी चीज़ों को, ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। नेक्स्ट वॉल जो है, बल्कि नेक्स्ट डोर जो है, वो बिनते फातिमा का है सऊद के घर से। सो ये एक एक अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ख्याल से बड़ी तुम्हें रहमत मिली हुई है। और ये हाँ, मुझे पता है, बिकॉज जो बिनते फातिमा के पीछे रूए रवा हैं वो हमारे प्यारे दोस्त नुमान हबीब की सासू माँ हैं, और वो वाकई बहुत काम कर रही होती है। मैंने तो खैर अंदर शूट भी की है, मैं 2-4 दफ़ा गया भी हूँ। सो वाकई दिल से बहुत काम हो रहा होता है। बिल्कुल, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप, हम अपने पड़ोस में ज़रूर देखें और अपने अजीज़ रिश्तेदार जो ज़रूरतमंद हैं। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी कुछ लोग भेजते हैं कुछ चीज़ें, तो जब मैं देखता हूँ ना, तो वो उस मेयार की नहीं होती जो हम खाते हैं। क्योंकि मेरा और मेरी बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये उसूल रहा है कि हम जो खाते हैं वो अपने नौकरों को भी वही खिलाते हैं, अपने पड़ोस में भी वही भेजते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने लिए अच्छी सी एक डिश बना के और अपने बच्चों के लिए रख लूँ, और नीचे वालों को बोलूँ जो बचा हुआ है वो खा लो। हाँ, अक्सर वो जो हमारा स्टाफ है वो बचा हुआ हमें खिला देता है। बिल्कुल, तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, तो ये ज़रूरी है। एक दफ़ा मैंने भी किया ये। बिल्कुल, हम शूट पे थे, मैंने, मेरा स्टाफ था उनके लिए, मैंने पूरा इटालियन खाना मंगा लिया, नाराज़ हो गए, मैं हमारी बिरयानी दो हमें, हम इटालियन, ये क्या है, ये हम नहीं खा रहे ये। हाँ, लेकिन वो ज़्यादातर आपको नाराज़ हो गए, सेट पे मुंह बना के बैठे हुए। मैंने कहा क्या हो गया, क्या खाना मंगाया आज आपने, अजीब यूं यूं, ये क्या है इसके अंदर। अब मैंने कहा भाई, मतलब इटालियन खाना मंगाया हुआ, लेकिन उनको वो सालन रोटी रोटी और बिरयानी ये चाहिए होता है कोरमे, इसमें हल्के नींबू डाल के आप चर्बी गला दें। यार ये जो जोक है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, वैसे सऊद एक्सरसाइज शुरू हुई या हल्की फुल्की अभी फिजियो चल रही है? अब नहीं, शुरू हो गया, हो गई। हाँ, चलें, शुक्र है, काम शुरू हो गया, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं? यार अभी हमें एक सोप का प्लान कर रहे हैं और एक फिल्म। अच्छा, माशाल्लाह। फिल्म जो है वो आप ही के घर पे हूँ ईद के बाद, आपको पता है इस बारे में? बिल्कुल, मैं ईद के चंद दिनों के बाद बस आपके घर पे, रोजाना घर में घुसते ही आवाज मारता हूँ सऊद, और मैं दरवाजा बंद करके बोलता हूँ बोलो सो रहा है, और कभी बेचारा यहाँ सो रहा है, कभी बेचारा वहाँ सो रहा है। नहीं, घर में हमने मुसीबत डाल दी है दोनों मियाँ बीवी को। नहीं नहीं, बड़ा एंजॉय करते हम लोग और मजा आता है। हाँ, एक अजीब रश लगा होता है ना, आजकल भी लगा हुआ है। अच्छा, तुम्हारा सुन के मुझे ज्यादा सुकून हुआ, मैंने कहा चलो फैसल आ रहे यार, कोई टेंशन नहीं, हमारी गप्पे चलती रहती हैं, ये तो एक होता है। सो बाबर, ये अपना बाबर, रैम्बो, सऊद, अरबाज, शान, ये सारी एक एक, ये हम देखते थे उस जमाने में फिल्में, कि कभी सऊद की फिल्म आ रही है, कभी रैम्बो की फिल्म आ रही है, कभी बाबर की आ रही है, शान की आ रही है, फिर तीनों की आ रही है, फिर उन तीनों की आ रही है। यार लगता है ऐसा दौर थी, वो इंडस्ट्री थी फिल्म जिसको कहते हैं ना, तो हमने बहुत इन्जॉय किया और हमें बड़ा मज़ा आया, जो प्रोटोकॉल और जो चीज़ें थी, जो सिस्टम था। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म्स की हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो उस फिल्म इंडस्ट्री में एक क्वालिटी थी ना, कि वो जो भी डायरेक्टर्स थे उनके पास ना मॉनिटर था ना कुछ था, वो लाइटें भी अंदाजे से करते थे, वो शूट भी अंदाजे से करते थे, और फीते पे करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे करते थे, लेकिन कभी कभी फ़ोन नहीं आया कि यार वो सीन जो है ना वो सही हुआ नहीं है, हाँ दोबारा आज तक दोबारा कर लें। 150 फिल्मों में कभी कॉल नहीं आई, कभी फोकस आउट नहीं होता था, क्या कुछ भी नहीं हुआ, कभी ऐसी कोई बात। उसके बाद मॉनिटर आ गए, तो मैंने एक फिल्म देखी जाके, बड़ा अपनी तरफ से नाम है उनकी, आधी फिल्म आउट ऑफ फोकस थी। सोचो, अब ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी बड़ी मैटर रखती हैं। अभी हम थोड़े से सीख रहे हैं काम, मतलब जाहिर सी बात है, सीखता है रोज़ आदमी। बिल्कुल, लेकिन फैसल इसमें तुम्हारी इनपुट, तुम्हें भी चाहिए, एजाज को भी चाहिए, सबको, हमारी इंडस्ट्री के जितने
अदनान तो कर रहा है, उसकी बड़ी अच्छी फिल्म, अदनान की फिल्म तो आने वाली है। हाँ, वो भी आ रही है, काफी यासिर की आ रही है, अदनान की आ रही है, तो ईद पे काफी रश लगा हुआ है। माशाल्लाह, हसन जिया की फिल्म आ रही है, तो इंशाल्लाह अच्छी फिल्में आ रही हैं, अच्छा माहौल बनेगा। मैं कहता हूँ फिल्म भी आए, ड्रामे भी अच्छे आए, हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर जाए और हमारा मुल्क सबसे ज्यादा रहते हैं। मैं इसके लिए जरूर कहूँगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो लोग साजिशें कर रहे हैं, झूठी सच्ची जो भी है, जिसके लिए भी, वो ज़रा ख्याल करें। और इस पाकिस्तान आर्मी का जो वजूद है ना, अल्लाह ताला इसको कायम रखे, क्योंकि हम जितनी भी बातें कर लें, उछल लें, कूद लें, हम सिर्फ इसलिए करते हैं सब कुछ कि हमारे चारों तरफ इनका साया है, इस आर्म फोर्सेस का, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बड़े रिस्पेक्ट की बात है कि इस पूरे सिनेरियो में, अभी रमज़ान में भी, कल भी एक हमारा जवान शहीद हुआ है बॉर्डर पे, तो हम लोग वो नहीं देखते कि वो क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपने लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम सब मुसलमान और जो भी मजाहब हैं वो सब एज अ पाकिस्तानी एक होना चाहिए। और थैंक यू सो मच साउद भाई, हिबा लाइफ के गिफ्ट हैंपर्स जा रहे हैं आपके साथ, मेरे साथ जी बिल्कुल, और डिपिट के भी गिफ्ट हैंपर्स सिर्फ मेहमानों के लिए जाएंगे आपके साथ। अरे वाह जी, मेहमानों के लिए, इसके मेहमानों, इसकी तो बातें नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सब भाई, थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा प्रोग्राम, बहुत मजा आया और सारे सेगमेंट बड़े अच्छे हैं आपके, थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर में हमारे उलमाए कराम यहाँ आ जाएंगे, फिर उनके साथ जो है वो गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, और बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिल रहा है, बाकायदा सीखने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल। सो अल्लाह का शुक्र है। सऊद भाई, हालात पे आप अगर कुछ कहना चाहें तो आजकल? हालात पे तो क्या कहना है, हालात तो सब जानते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बात कही थी, फिर उसको रिपीट करूँगा, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको आप समझाएं, क्योंकि ये रमज़ान वो महीना है जिसमें आप सब्र, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें इस महीने में सब्र का इम्तिहान होता है, कुरान का नुज़ूल हुआ है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कि यहाँ से ये इसीलिए हर साल आता है कि हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, तो हमारी आवाम को भी चाहिए और हम सबको चाहिए कि अपने नफ्स से कंट्रोल करें, अपने जवानों की कदर करें, अपनी फोर्सेस की कदर करें, क्योंकि यही लोग हमें सेव करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो पिछले कोविड में बहुत उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और कुछ शहीद भी हुए, बहुत से लोगों ने शहादत हासिल की हमारे फोर्सेस ने, लेकिन इन सब के लिए दुआ होनी चाहिए हर दफ़ा, और आने वाले वक्तों में इस मुल्क को मजबूत और खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला बनाए। आमीन। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आवाज़ साहब, थैंक यू मुदस्सर भाई, एक मिनट रुक जाएं, मैंने कुछ तफसील लेनी है आपसे। अच्छा, बिल्कुल सही जी, और हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे उलमा के बोल। जोया जी, आप अपने बाल संभाले, इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन ना बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। Add Nestle Milo to milk for more protein, more iron, more calcium, more vitamin D. More protein, more iron, more calcium, more vitamin D. And enjoy hot or cold Nestle Milo every day. Energy to go further. बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।